कहाँ जा रही हो? पिज़्ज़ा कहाँ? वो दिखाओ अपना बैग दिखाओ। तो ये देखिए छोटी सी परू अपना बैग भी नहीं भूली है, ये साथ लेके चल रही है क्योंकि इसमें इनकी जैकेट है एंड जींस है ना। और कहाँ जा रही हो? पिज़्ज़ा कहाँ? हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और परी परू, ये देखिए छोटी सी बिल्ली परू मेरे साथ जा रही हुसैनगंज, क्योंकि जूही के दांत में बहुत ज्यादा दर्द था तो वो भैया जी लेके गए उसको डॉक्टर के पास। और परी मेरे साथ जा रही है, फिर जूही वहीं पे आएगी परू को लेने। और अभी तो हम जाएंगे हुसैनगंज रुकेंगे, जैसे कि आज संडे है तो काफी टाइम के बाद बच्चे भी जा रहे हैं। तो दोनों बच्चे ये देखिए पीछे, तो ये मियाँ जी हमें वहाँ पे छोड़ेंगे, फिर अपना ये निकल जाएंगे काम के लिए। हम लोग जाएंगे हुसैनगंज, वहाँ आपको मिलवाएंगे एंजल नित्य भाभी से। तो बस चलते, एंड मुझे अमीनाबाद भी थोड़ा काम है, अगर जैसा टाइम होगा तो जाएंगे, नहीं तो दूसरे दिन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने अपना कान छिदवाया था, तो अभी मैं एंटीबायोटिक मैंने लिया, क्योंकि जहाँ से मैंने छिदवाया तो उन्होंने बोला था एंटीबायोटिक लीजिएगा तो जल्दी सूख जाएगा, तो एंटीबायोटिक मैंने लिया तो शायद ठीक अभी आराम है, बट ठंड में छिदवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा पक तकता नहीं है। एंड बस सुपरमाइसिन लगा रहे हैं, अभी तो ठीक है, दर्द नहीं है बिल्कुल नहीं है। और मैं डेली इसको घुमाती रहती हूँ, और बस चलते हैं। और मेरा जो कान मैंने छिदवाया था पिन्नी का, ये वीडियो मैंने डाल दिया, जो लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज हम लोग जा रहे हैं हुसैनगंज, और साथ में कौन जा रहा है? ये छोटी सी बिल्ली। और जूही के दांत में बहुत ज्यादा दर्द है तो वो गई डॉक्टर के पास, तो परी मेरे साथ ही जा रही है, एंड जूही वहीं से आएगी परी को लेके जाएगी। और परू अभी जा रही, किससे मिलोगी परू? और एनन, एंजल को एनन कहती हैं और नित्या को नित्या, हाँ सही बोलती है नित्या। तो बस अभी हम जा रहे हैं, ये हमको घर पे छोड़ेंगे मतलब हुसैनगंज में, एंड उसके बाद ये अपने चले जाएंगे काम से। और हम दोनों बच्चे, आज संडे भी है तो काफी टाइम के बाद जा रहे हैं हुसैनगंज, दो तीन हफ्ते हो गए। और बस चलते हैं तो वहाँ मिलेंगे आपको एंजल नित्या। एंड मैंने अपना कान ये देखिए छिदवा लिया था, उसका वीडियो डाला है मैंने, एंड आप लोग देख लीजिएगा। और अभी तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली एंटीबायोटिक दवा भी बताया था जब कान छेदा था, जहाँ से मैंने ये अपना चिपकवाया था वहीं पे ही मैंने कराया पार्लर में जाके। हुसैनगंज आ गए थे और मैंने आगे वीडियो नहीं बनाया था, तो ये शाम का वीडियो, जब ये लोग आ गए थे तो भाजी लेके आया था गर्मा गर्म समोसे चाय, और मेरे पति देव कहीं भी बैठे हो अपने टैब में लगे रहते हैं। नहीं मिला, थोड़ा सा डाल दो मिर्चा। क्या हुआ अनु जी? कोई नहीं, चटनी खा लीजिए। इसके आगे का मैं ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, मार्केट चली गई थी, एंड हम लोग आए थे रात में, डिनर किया था। डिनर में भाभी ने बनाया था मशरूम मटर राइस एंड पराठा, तो हम लोग ने वही खाया था। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। अब मैं आगे का वीडियो दूसरे दिन का कंटिन्यू करूँगी। एंड ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है पूरा, क्योंकि 26 जनवरी के बाद ही का टाइम है, तो कुछ डेकोरेशन है जो अभी भी लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बना रही हूँ गोभी की कीमे की गुजिया, तो जो मैंने दो प्याज कट कर लिया, ये देखिए प्याज को कर लिया ब्राउन, एंड इसमें डाल रहे हैं जीरा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग में मैंने गोभी की कीमे की गुजिया बनाई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड बहुत कमेंट आया था कि मैं दोबारा उसकी फुल रेसिपी डालूँ। तो बस मेरा प्याज ब्राउन हो गया था, मैं इसमें बेसिक मसाले डाली थी, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे, तो मैंने आधा चम्मच डाला इसमें लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जब मसाला भुन जाएगा तो ये मैंने कद्दूकस करके रखा था गोभी, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। आप इसमें चाहिए तो थोड़ा सा मीट मसाला भी डाल सकते हैं जिससे कि और अच्छा फ्लेवर आएगा, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो
तो बस ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा भरता नहीं करना मुझे, थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर हो। तो बस ये गोभी मेरा होने वाला है एंड मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मेरा गोभी बन गया है, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं गलाया है, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है 5 मिनट बाद। अब मैं इसकी गुजिया बनाऊंगी। तो आटा मैंने सान लिया था, कड़ा आटा थोड़ा सा साना था, और उसकी मैं गुजिया बनाऊंगी। एंड इधर तब तक तो मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, तो जिसमें मैंने डाला है ऑयल और 2 प्याज जिसमें मैंने डाला है, इसमें सारे मैं मसाले डालूंगी ग्रेवी के लिए। और इधर ये देखिए सारा बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और मैं लास्ट में इसमें डालूंगी अमचूर। जब ये ग्रेवी अच्छे से हो जाएगी, मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है। और ये थोड़ा सा पतला होता है ग्रेवी, क्योंकि जब हम लोग गुजिया डालते हैं तो ऑलरेडी ये गाढ़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं करना। तो देखिए मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाला है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब तो मैंने इसमें पानी डाला। आप कंसिस्टेंसी देख ही सकते कितना पतला है। एंड इसके लास्ट में जब ये उबाल आएगा तब तो मैं इसमें अमचूर डालूंगी। इधर जब तक ये उबाल आ रहा है मैं अपनी सारी गुजिया बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी लोई ली है और मैं गोभी को ठंडा करूँ, गोभी के कीमे को। अब मैं बनाऊँगी, मैं इसको पेलूँगी पूड़ी की तरह, रोटी की तरह नहीं, पूड़ी की तरह। तो ये देखिए अब मैं इसकी बनाऊँगी गुजिया। मेरी बन गई है एंड इसको मैं डालूंगी ग्रेवी में। तो इधर ये देखिए रस्सा बहुत अच्छे से पक गया, इसमें मैंने अमचूर भी डाल दिया है। हर चीज़ जरूरत है। डालते हुए ग्रेवी में मैं एक एक करके गुजिया डालूंगी, ताकि मैं एक साथ नहीं डालूंगी, ताकि गुजिया एक दूसरे से चिपक ना जाए। तो मैं एक एक करके ही गुजिया डालूंगी एंड सारी गुजिया पड़ जाएगी। तो उसके 10 मिनट तक पकेगा ताकि अच्छे से आटा पे भी एक कच्चा सा, एक तरह से समझो दलटी किया जैसे नहीं, ये रस्सी को अच्छे से सोख ले और ये हमारा रस्सा भी ग्रेवी में गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद तक मेरी गोभी मसाला और हमको करना था प्याज ना जुई, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, सब अच्छा लगे हो जाएगा। आटे का भी थोड़ा सा ना रहता, इधर डालूगा इससे नहीं ढकाएगा, इससे नहीं, उससे नहीं ढकाएगा, ढकाएगा छोटा है, टूट गया था। हाँ ठंडा अचानक से ना, वो बड़ा ला बहुत अच्छा था इसके लिए, उधर इससे ना चुभ जाता है ये वाले तबले से, आराम से रसा सही है। वही स्टील वाला जुई जो कल तुम मेरे पास, हाँ वही वही लाके कुछ खाया क्या उसमें? नहीं। हाँ वही लाके